हमारे साथ हैं दिल्ली से निगम पार्षद 51E से सचिन शर्मा जी। सचिन जी, हमें ये बताइए, 4 साल मोदी सरकार में हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। जहां देश में पिछले 60 सालों से देश पीछे की ओर बढ़ रहा था, 4 सालों में मोदी जी ने 10 गुनी तेजी से देश को प्रगति की ओर बढ़ाया है। ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबको मिला है, जिसके पीछे पीछे आज देश चल रहा है। आज खुशी होती है देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए भी। ये बात आप मीडियाकर्मी मुझसे बेहतर जानते हैं। आप रोज दिखाते हैं किसान कितने डेवलप हो रहे हैं, हर एक इंसान जितनी तरक्की कर रहा है मोदी जी के समय में, ये सब चीज़ आप जानते ही हैं। दिल्ली में पानी की समस्या बहुत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ केजरीवाल जी को डूब के मर जाना चाहिए, माफ कीजिएगा मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो एक डिपार्टमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है वो है जल, और उन पे जल ही नहीं दिया जा रहा दिल्ली को। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता को जल की आपूर्ति नहीं कर पाते, तो शेमलेस सरकार है। मुस्तफाबाद में एक स्कूल है, उसमें एक ही स्कूल क्लास में 2 क्लासेस पढ़ाई जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मनीष जी को देखना चाहिए। मनीष जी, आप जहाँ देखोगे होर्डिंग्स पे करोड़ों अरबों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं दिल्ली का आम जनता का, कि स्कूल का स्तर बढ़ा, शिक्षा का स्तर बढ़ा। आप मुझे बता रहे हैं कि एक ही क्लास में 2 क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, तो शर्म का विषय है बहुत ही। मनीष जी को और केजरीवाल जी को, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में सड़कों पर काफी गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क, क्या कहेंगे? देखिए, PWD जी इस समय इतना बुरा हाल है, मैं अपने क्षेत्र का ही आपको बताऊं, MCD के पार्षद और MCD जितना काम कर रही है, PWD को सख्त निर्देश दिए हुए हैं इनके मिनिस्टरों ने कि किसी भी तरह से PWD के नाले ले लीजिए दिल्ली में, आप बुरा हाल है, PWD की सड़कें ले लीजिए, बुरा हाल है। तो केजरीवाल को जिता के दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, आने वाले चुनाव में ये उन्हें पता लग जाएगा कि उनका क्या भविष्य होने वाला है। गुजरात में अभी एक दलित महिला के साथ, आंगनवाड़ी महिला के साथ एक कुर्सी पे बैठी आधार कार्ड बांट रही थी, कल का विषय है, और उसको लात मार के एक व्यक्ति ने गिरा दिया, गुजरात क्या कहेंगे? इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी वो व्यक्ति है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी यही कहती है, महिलाओं का सम्मान करो, और हमेशा करते हैं। वो जो कोई व्यक्ति है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, किसी पार्टी का है, कोई भी होगा, किसी ने महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में महिला कितनी सेफ है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सेफ नहीं है, रोज आप देखिए दिल्ली महिला नहीं सेफ। केजरीवाल जी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा, ये बात तो आप साफ देख सकते हैं। दिल्ली में कितने CCTV कैमरे लगे, होमगार्ड? सिर्फ घोटाले हुए, बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। CCTV के नाम पे, पानी के टैंकरों के नाम पे जितने घोटाले हुए, पुल के नाम पे इतने घोटाले हो रहे हैं, रोज इनके एक नया मंत्री रोज पकड़ा जाता है, एक नए भ्रष्टाचार में रोज एक नया मंत्री पकड़ा जा रहा है। दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा के साथ जुड़िए, इस सरकार को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये नालायक और निकम्मी सरकार जो हम लोगों की गलतियों से बन गई है, उसे इस चुनाव में हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और भाजपा का शासन दिल्ली में हमें लेके आना है। बहुत ये थे हमारे सचिन शर्मा, वार्ड नंबर 51E से थे, कैमरामैन अभिषेक के साथ, धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज दिल्ली।